गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो तुम्हारा भाई स्टेट आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है जो कि कल होने वाला है, और मैं खेलूँगा अंडर 55 कैटेगरी में। तो अभी मेरा वेट मैं अब आज सुबह नापा तो 54.5 समथिंग कुछ आया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा चिल हो गया कि हाँ भाई मैं तो मतलब वेट गैप से 500 ग्राम ऊपर आ हूँ, तो फिर मैं थोड़ा खा पी लिया। तो अभी मेरा वेट आ रहा है 55.3। तो अभी हम लोग को ये 300 ग्राम काटना पड़ेगा तभी खेलने देंगे उनको अंडर 55 में, बाकी नहीं तो देखता हूँ सेटिंग वेटिंग लगवा लूँगा कुछ। तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ जिम, थोड़ा सा साइकिल वाइकल चलाएँगे, थोड़ा पसीना वसीना निकलेगा, थोड़ा वाटर वेट कम होगा, तो शायद वेट लिमिट के थोड़े अंदर आ जाऊँ मैं। तो अभी हम लोग जाते हैं जिम, फिर मैं तुम लोग को जब वेइंग करने जाऊंगा, तो आज वेइंग करने जाना है और कल कंपटीशन है, तो जब मैं वेइंग करने जाऊंगा तब मिलते हैं हम लोग। कार्डियो करने के बाद मेरा वेट 55,700 आ रहा है। हाँ तो मैंने ना सही पहना था जो भी आके ही नापन पूरा नंगा होगा तो 700-500 कुछ हो जाएगा ना, 200-300 तो हो जाएगा। बोलूंगा एडजस्ट कर लो थोड़ा गार्ड वाला। मौसम देखो भाई, मौसम देखो भाई, हो क्या काम। मैं जिम के लिए निकलने वाला था और ये देखो मैं जो बारिश चालू हो गई है। अब मैं जब तक बारिश रुक रही है मतलब उतने मतलब काले बादल तो है, अब पता नहीं कितने बजे रुकेगी कब रुकेगी। मैं तुम लोग को बताता हूँ कि अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ। जैसे तुम लोगों ने पहले की क्लिप देखी होगी तो उसमें बता रहा था कि मैं रेसलिंग कॉम्पिटिशन खेलूँगा, तो फिर जब मैं वेट देने गया तो पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। तो फिर मैंने वापस पोस्ट देखा जहाँ पर मैंने पहले देखा था, तो उसमें लिखा है पोस्टपोन करके। तो भाई मैं फुल वेट वेट काटवा के काटने के लिए, क्योंकि उसमें 5-5 किलो की कैटेगरी में रहता है 55-60 ऐसे ऐसे। तो मैं फुल पानी वानी छोड़ के रखा था, खाना वाना छोड़ के रखा था कि मेरा वेट गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिर रहा था ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा रिस्क लेके चलो तो अब उसके साथ मेरे को भी गया। हाँ तो मैंने पानी छोड़ कर रखा था, फिर पोस्टपोन्ड हो गया तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं अब नहीं खेलूँगा आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन। और मैं सोच रहा हूँ कि आर्म रेसलिंग भी नहीं खेलूँगा, क्योंकि भाई 500 रुपये लगाते हैं, बदले में कुछ मिलता नहीं है। नेशनल भी जाऊँगा तो कितना खर्चा करके, अमन की मैंने वीडियो देखी उसमें बता रहा है कि वो 30-40 हज़ार खर्चा करके नेशनल खेलने गया और कुछ मेडल। मेरे को लगा था कि नेशनल में पैसा मिलता होगा लेकिन नहीं मिलता है, तो हम लोग नेशनल नहीं खेलेंगे। जब तक मैं जिस दिन खेलूंगा ना उस दिन मैं नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के आऊँगा बेंच प्रेस का, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं खेलूँगा।
तभी ऐसे फ्लेवर है, काम का हूँ पक्का राजा तभी ऐसे तेवर है।